नमस्कार, मैं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने NMCH के अध्यक्ष को निलंबित किए जाने के मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विरोध पर कहा कि गलत डॉक्टर को पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि NMCH के अध्यक्ष को यह जानकारी नहीं है कि अस्पताल में डेंगू का वार्ड कहाँ है, तो समझ गए कि वह कैसे अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि गलत डॉक्टरों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, जिनको जहां जाना है जाए, यह जनता की सरकार है। और मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जनता की सरकार है, हम जनता के लिए ही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में पहले कभी क्यों नहीं कहा कि 700 से ज्यादा डॉक्टर फरार है, वेतन ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए आज हमारे आने के बाद उन पर कार्रवाई हो रही है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। और गलत लोगों का पक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को नहीं लेना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर आज से विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है और हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। और यही कारण है कि आज से पूरी व्यवस्था को और युद्ध स्तर पर चलाने के लिए विशेष निर्देश के तहत कार्रवाई की जा रही है। वापस लेना होगा यार भाई, एसोसिएशन का काम ही होता है कि भाई डॉक्टर के लिए बनाया तो डॉक्टर ही का पक्ष रखेगा। लेकिन एसोसिएशन को तो ये भी देखना चाहिए कि भाई गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई, भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए, सामने सर, आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते, एंडोर्स नहीं ना कर सकते। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं भाई। आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है, 705 डॉक्टर का लिस्ट आया है। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो हम आकर के ना कार्रवाई करें, तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का है कि हल्ला मचाओ। बात देखिए, हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। अब अच्छा काम करते जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, एसोसिएशन को तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। न्यूज 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।